हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है रुधिर वर्ग क्या है, इनकी शरीर में क्या आवश्यकता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा झिल्लियों के द्वारा तल पर कुछ कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन दो प्रकार की होती है, अर्थात एन और बी प्रकार की। इन्हें एंटीजन कहते हैं। दो एंटीजन इन एंटीजन से क्रिया करके रिएक्शन करती है जो रुधिर प्लाज्मा में होती है, अर्थात एंटीबॉडी ए और बी। एंटीबॉडी ए से क्रिया करती है और अधिक कठोर हो जाती है, जिससे कि लाल रुधिर कणिकाएँ जिनमें ये एंटीजन होते हैं एक साथ मिल जाती है। इसी प्रकार एंटीबॉडी बी एंटीजन बी को अधिक कठोर बना देती है। कार्य लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग ए बी का पता लगाया था। रुधिर वर्ग प्रोटीन की पहचान करने के बाद बनते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, रुधिर वर्ग चार प्रकार के होते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप, ये सारे के सारे हो गए हैं। ठीक है, रुधिर वर्ग ए की बात कर ले तो इस वर्ग के मनुष्य में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। रुधिर वर्ग बी की बात कर ले तो इनमें एंटीजन ए लाल रक्त कणिकाओं में और एंटीजन बी प्लाज्मा में होता है। तीसरा, रुधिर वर्ग ए बी की बात कर ले तो इसमें लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए और बी तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। चौथा, रुधिर वर्ग ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है लेकिन प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।